चलिए जो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की जहाँ कल छोड़ा था उसी से आगे से ये परसेंटेज चल रही है हमारी अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की जान किसकी जान अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की जान है भाई परसेंटेज जान क्यों है क्योंकि पूरा अर्थमेटिक मैथमेटिक्स जो है वो किस पर है परसेंटेज पे पर डिपेंड करता है भाई परसेंटेज ही तो रेशो है और परसेंटेज ही तो क्या है भाई फ्रैक्शन है और पर… रे दोनों क्या है ये दोनों ही क्या है परसेंटेज है यानी कि फ्रैक्शन और रेशो

अगर इससे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो भाई मेरी आपको राय है मेरी आपको सलाह है कि आप पिछले लेक्चर ज़रूर देख लें वरना ये वाला लेक्चर जो है ना हो सकता है कि आपके सिर के ऊपर से निकल जाए ठीक तो पहले क्या करें पिछले वाले लेक्चर देख लें चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर और हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है बहुत बहुत ही ही जनरल सी बात है कितना अधिक ट्वेंटी परसेंट अधिक सेवेंटी से कितना अधिक बीस परसेंट अधिक, अधिक? अधिक. यानी वो संख्या बतानी है जो 70 से कितनी अधिक है 20% अधिक है जो 70 से कितनी अधिक है 20% अधिक है चलिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको जैसे मेरे सामने ये है मैंने लिखा एट्टी ठीक है मैंने क्या लिखा 80 कोई भी संख्या अपने आप अप में तो 100 परसेंट ही है भाई ये 80 भी क्या है अरे अपने आप अप में तो 100 परसेंट ही है यानी 100 परसेंट क्या है भाई 80 है ठीक है यानी ये जो 80 है ये अपने आप अप में तो 100 परसेंट है अगर मैं एट हंड्रेड कर दूं तो ये भी क्या है अपने आप अप में भाई हंड्रेड परसेंट है मान लीजिए मैं लिखता हूं सात तो ये भी क्या है अपने आप अप में हंड्रेड है हंड्रेड कितना है भाई 750 है 100% परसेंट कितना है 750 है अगर मैं 10% परसेंट की बात करूं तो 10% परसेंट कितना हो जाएगा अरे मैंने यहां पॉइंट लगाया है यानी कि जीरो के आगे पॉइंट लगाया लेफ्ट हैंड से अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ आता हूं या सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आता हूं पॉइंट लगा दिया मैंने एक संख्या के बाद तो यहां भी तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाऊंगा कितना हो जाएगा यहाँ ऐसे समझ लीजिए यहाँ से भी जीरो खत्म कर दिया यहाँ से भी जीरो खत्म कर दिया तो टेन परसेंट इज इक्वल टू कितना हुआ सेवेंटी फाइव अगर मैं वन परसेंट की बात करूँ तो तो भाई कितना होगा सेवन पॉइंट फाइव होगा नहीं आई बात समझ में अभी आ जाएगी लो अगर मान लो हंड्रेड परसेंट की वैल्यू हमें दे रखी है नाइन सेवनटी पिछहत्तर और मुझसे पूछा जाए बताओ भाई टेन परसेंट की वैल्यू क्या होगी तो टेन परसेंट वक्त की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया है इसे टेन से डिवाइड किया है तो इधर भी तो टेन से डिवाइड करूंगा और अगर किसी संख्या को तुम टेन से डिवाइड करते हो तो पॉइंट लगा देते हो कितनी संख्याओं के बाद एक संख्याओं के बाद किधर से गिनकर राइट हैंड साइड से गिनकर जैसे मैं ये लिखूँ ट्वेंटी फाइव तो क्या लिख देते हो इसे टू पॉइंट फाइव लिख देते अगर मैं ऐसे लिखूँ फोर्टी टू तो इसका फोर्टी टू नहीं फोर्ट नहीं लिख सकते ऐसे ही यहाँ पर कितना लिख दूँ इसे नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव नहीं लिख सकता अगर वन परसेंट निकालना हो तो फिर दोबारा से किससे भाग कर दी मैंने टेन से भाग कर दी देखो जरा टू पॉइंट फाइव में अगर मैं टेन से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा पॉइंट टू फाइव नहीं होगा यानी ये पॉइंट किधर आ जाएगा एक स्थान और खिसक जाएगा किधर लेफ्ट की तरफ तो भैया यहाँ एक स्थान और खिसका दो नाइन पॉइंट सेवन फाइव हो जाएगा बात समझ में आ गई होगी आपके नहीं आई है तो आ जाएगी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह के भी चलिए मैंने क्यों बताया है ये अरे मैंने क्यों बताया है ये मुझे यहां बताने की क्या जरूरत आन पड़ी कि मैंने यहां बताया इसको मैंने बताया इसलिए है कि दो तरीके हैं आपके पास सेवेंटी से UH! ट्वेंटी परसेंट अधिक निकालने के सेवनटी का टेन परसेंट कितना होगा मेरे भाई सेवन होगा भाई सेवनटी का टेन परसेंट कितना होगा अगर मैं सेवनटी के टेन परसेंट की बात करूं तो ये कितना होगा अरे सेवन होगा और अगर मैं इसके ट्वेंटी परसेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा फोर्टीन यानी 70 को कितना बढ़ा दें हम ट्वेंटी परसेंट अधिक बढ़ा दें तो 70 के अंदर क्या प्लस कर दूं मैं ट्वेंटी परसेंट यानी कि सेवनटीन का सेवनटी का ही कितना ट्वेंटी परसेंट और आंसर हो जाएगा एट्टी फोर तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा एट्टी फोर लेकिन हम बार-बार इस तरह से थोड़ी करते रहेंगे भाई हमसे तो आता है 20% अधिक करना है किसी चीज को 20% अधिक करना है किसी भी संख्या को तो 20% अधिक करना है किससे अरे अपने आप में तो वो कितनी थी अपने आप में तो 100% थी अब उसे 20% अधिक कर दिया यानी कि 120 कर दिया कितने से 100 से 100 से कितना कर दिया 120 यानी कि ये 6 हुआ और ये 5 हुआ 20 500 और 20 600 एक बीस यानी मैं इसे क्या कह सकता हूं बटे पांच अगर तुम किसी भी संख्या को उसका कितना कर देते हो छह बटे पांच तो इसका मतलब तुमने क्या कर दिया है उसे ट्वेंटी परसेंट बढ़ा दिया है लो एक और बात बताता हूं भाई ट्वेंटी परसेंट तो आपको पता ही है अरे 20% परसेंट क्या होता है वन बाई फाइव अगर किसी चीज को 20% परसेंट बढ़ाना है 20% परसेंट क्या कर देना है बढ़ा देना है तो कितना बढ़ाना है उसे वन पॉइंट एक बन एक बटा पांच बढ़ाना है अब बढ़ाएंगे किसमें अरे हंड्रेड में हंड्रेड का मतलब कितना है वन हंड्रेड का मतलब कितना है वन यानी कि क्या करेंगे वन प्लस बन अपोन फाइव वन प्लस बन अपन फाइव देखिये वन प्लस बनापोन फाइव हमें करना है तो फाइव पांचिकम पांच और एक छटे

अगर यहां पर वन है तो कुछ टेंशन नहीं लेनी है भाई अगर प्लस है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो और माइनस होता है ना तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या क्या कर देता घटा देता प्लस है तो फाइव टू फाइव में टू जोड़ा सेवन सेवन अपॉन फाइव माइनस है घटा देता मान लो वन माइनस टू अपॉन फाइव हो तो क्या करूंगा ये वन है इस माइनस की वजह से ये ऊपर वाले घटा दूं कितना बचेगा थ्री अपॉन फाइव चाहे करके कर देख लेना थ्री अपॉन फाइव बचेगा ठीक है कितना बचेगा थ्री अपॉइन फाइव तो मैं क्या बता रहा था मैं बता रहा था आपको कि अगर किसी भी संख्या को 20% परसेंट बढ़ाना है 20% परसेंट बढ़ाने का मतलब एक बटे पांच बढ़ाना किसके अंदर बढ़ाना भाई एक के अंदर एक मतलब सो के अंदर ठीक है तो वन प्लस वन अपॉन फाइव कितना हुआ सिक्स बाई फाइव तो अब आ जाओ सत्तर को कितना बढ़ाना है सत्तर को बढ़ाना कितना ट्वेंटी परसेंट यानी सत्तर का कितने गुना निकाल दूं मैं छः बटे गुना निकाल दूं कितनी बार कटेगा चौदह बार कटेगा पाँच से चौदह पंजे सत्तर और चौदह छंग चौरासी देखो फिर भी हमारा आंसर कितना आया एट्टी फोर आया चलिए अभी आधी बगर बात समझ में आई पूरी इस क्वेश्चन से आ जाएगी देखिए सामने क्वेश्चन क्या लिखा है 120 से 33.33 थ्री .33 अधिक 120 से 33.33 परसेंट .33 क्या बताना है हमें अधिक बताना है एक बात बता दो मुझे जल्दी फटाफट 33.33 परसेंट का मतलब होता क्या है इसका मतलब होता है वन अपन थ्री और अगर इसको बढ़ाना हो तो बढ़ाना हो तो यानी एक में बढ़ाना हमें इसे वन प्लस वन अपन थ्री कितना हो जाएगा चार बटे तीन तैतीस परसेंट तैतीस पॉइंट तैतीस परसेंट बढ़ा दो या किसी संख्या में चार बटे तीन से गुणा कर दो सेम बात है भाई एक सौ बीस का क्या कर दू मैं तैतीस पॉइंट तैतीस परसेंट बढ़ाने का मतलब क्या है एक बटा तीन बढ़ा दो एक के अंदर ठीक है तीन चौके बारह ठीक है चालीस बार कटा चार चौके सोलह कितना आंसर आ गया हमारा एक सौ साठ कितना आंसर आ गया हमारा एक सौ साठ आ गया चलिए आगे की तरफ चलता हूं ये देख लेना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो अगर भूल जाओ तो वैसा भूलोगे नहीं भूलना चाहिए तो नहीं भाई लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा है नहीं चलिए आगे आ जाता हूं मैं 160 से कितना अधिक 25 परसेंट अधिक कितना अधिक मेरे भाई 25 परसेंट अच्छा एक बात बताओ 25 परसेंट होता कितना है वन बाई फोर होता है अगर अधिक करना है तो वन में जोड़ देंगे ये यानी 25 परसेंट अधिक का मतलब क्या है या तो ऐसे लिखो 125 सौ पच्चीस बटे सो या फिर यहाँ डायरेक्ट ही ना कर दूँ मैं चार और एक पाँच बटे चार अरे भैया पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस पच्चीस चौका सो जब भी तो पांच बेटे चार ही है यानी किसी संख्या को पच्चीस परसेंट बढ़ाना है तो हमें डायरेक्ट किससे गुणा कर देनी है फाइव बाई फोर से एक सौ साठ को किससे गुणा कर दू फाइव बाई फोर से चार चौके सोलह और चार पंजे बीस हमारा आंसर क्या हो गया टू हंड्रेड हो गया अब यहाँ आ जाओ दो सौ चालीस को कितना बढ़ाना तिरासी पॉइंट तीन तीन मेरे भाई क्या आपको नहीं पता तिरासी पॉइंट तीन तीन परसेंट क्या बताया मैंने मैंने बताया था पाँच बटे छः होता अगर इसको बढ़ाना है ऊपर के तीर का मतलब है बढ़ाना नीचे तीर लगाऊंगा तो उसका मतलब है घटाना ठीक है ना तो वन के अंदर घटा जोड़ दूँ इसे छः और पाँच ग्यारह बटे डायरेक्ट ग्यारह बटे कर दूँ किस को को दो का कितना ग्यारह बटे छह दो सौ चालीस का ग्यारह बटे छह करने का मतलब क्या है दो सौ चालीस को कितना बढ़ा दिया 44, पॉइंट तीन तीन परसेंट बढ़ा दिया चलिए आ जाते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन है तीन सौ बीस से कितना अधिक करना हमें बासठ पॉइंट पांच लो भाई बासठ पॉइंट पांच परसेंट ये तो आपका फेवरेट है ठीक है कितना होता है बासठ पॉइंट पांच पाँच बटे आठ होता मेरे भाई क्योंकि एक बटे आठ साढ़े बारह होता उसका पाँच गुना साढ़े बासठ होता इसको अगर बढ़ाना है तो एक के अंदर जोड़ दो इसे आठ और पाँच कितने होगा तेरह तेरह बटे आठ तो भैया तीन सौ बीस को तेरह बटे आठ ही लिख दो ना डायरेक्ट आठ से कितनी बार कट जाएगा ये आठ चौक बत्तीस तेरह चौका बावन यानी पाँच हमारा क्या हुआ आंसर हुआ ठीक है इसका लिंक जो है पी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चाहे तो इसका स्क्रीन भी ले सकते हो चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या होता है भाई हमारे साथ में

बीस चौके अस्सी और बीस पंजे सौ यानी किसी संख्या को बीस परसेंट घटाने का मतलब है कि उसको कितने गुना कर दें हम चार बटे पांच गुना कर दें डायरेक्ट कितने गुना कर दें डायरेक्ट चार बटे पांच गुना तो बीस परसेंट घटाने का मतलब क्या है बीस परसेंट का मतलब होता है एक बटे पांच। कम करना तो एक में से माइनस कर दो माइनस का तरीका बताई चुका हूं भाई पाँच में से एक घटाया चार चार बटे पांच। ठीक है अब मान लो पहले क्वेश्चन में क्या है 16.66 परसेंट क्या करना हमें कम करना तो सबसे पहले तो 16.66 परसेंट की वैल्यू बता दो मुझे कितनी होती है एक बटा छह अगर इसको कम करना है तो क्या करोगे एक में से माइनस पांच बटे छः छह में से एक घटाया कितना बचा पांच पांच बटे छ आराम से कर सकते हैं तो भैया सात का कितने गुना कर दूं मैं सोलह पॉइंट छ छः परसेंट कम करना है अगर अधिक करना होता तो साठ बटे छ करता कम करना है तो कितना करना पड़ेगा पाँच बटे छ करना पड़ेगा छः से तो कट जाएगा ये बारह छंग बिहत्तर एक सौ बीस बार बारह पंजे साठ आंसर क्या हुआ हमारा छः सौ चलिए आ जाते हैं तीन सौ बीस अच्छा ये बेहतरीन क्वेश्चन है तीन सौ बीस को कितने परसेंट कम ना एट परसेंट कम करना कितना एट परसेंट कम करना यानी कि नाइनटी टू कर देना है कितने से हंड्रेड से ठीक है नाइन भई एट परसेंट कम करना किसी चीज को किसी चीज़ को किसी संख्या को आठ परसेंट कम करना है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि उसे नाइन्टी टू परसेंट कर दो बयानवे परसेंट कर दो ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी एट परसेंट कम हो जाएगी करके देख लो भाई इसे ये कितनी बार कट गया जीरो से जीरो कट गया अगर मैं इसे काटने लगा तो ये पांच बार कटेगा दो से और ये कितनी बार कटेगा सोलह बार सोलह का गुणा करेंगे नाइन्टी टू में फिर भाग करेंगे पांच से सोलह की गुणा बयानवे में फिर किससे भाग करेंगे भी पास से ये ये थोड़ा थोड़ा सा सा हमारे हमारे लिए लिए क्या क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा जाएगा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी क्योंकि भाई हमें आदत नहीं है मेहनत करने की ठीक है मेहनत करने की हमें आदत नहीं है हमारी कैलकुलेशन भी बहुत बेकार है सर कोई बात नहीं भाई बेकार है तो अरे बेकार है ना अच्छी करो वरना ये तो बेकार कैलकुलेशन वालों से भी हो जाएगा देखो कैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि 320 अपने आप में क्या था 100% परसेंट था 320 100% परसेंट था भाई यानी कि 100% परसेंट कितना था 320 अगर मैं 320 का कितना निकालने लगूं 10% परसेंट तो 320 का 10% परसेंट कितना हो जाएगा 32 320 का 10% परसेंट कितना होगा 32 अगर मैं 320 का 1% परसेंट निकालू एक परसेंट कितना परसेंट एक परसेंट तो मेरे भाई कितना हो जाएगा एक परसेंट एक परसेंट होगा थ्री पॉइंट टू ठीक है भाई क्योंकि सौ परसेंट किसकी वैल्यू है भाई सौ परसेंट है तीन सौ बीस दस से भाग कर दूं इधर भी तो इधर बचा दस इधर भी दस से भाग कर दूं तो क्या बचेगा बत्तीस फिर दस से भाग कर दूं तो इधर बचा एक और इधर कितना हो गया थ्री पॉइंट टू बात समझ में आ रही है मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे क्योंकि मुझे आठ परसेंट निकालना आठ परसेंट निकालना है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता आठ परसेंट को कि दस परसेंट में से माइनस कर दूं दो परसेंट तो ये बराबर किसके होता ये आठ परसेंट के बराबर नहीं होता ये आठ परसेंट के बराबर नहीं होता भाई ठीक है और दस परसेंट की तो वैल्यू पता हमें तीन सौ बीस का दस परसेंट कितना था बत्तीस और माइनस दो परसेंट निकाल लूँ कम कर दूँ इसमें से भाई एक परसेंट थ्री पॉइंट टू है तो मुझे बता दो फटाफट दो परसेंट क्या होगा अरे दो परसेंट कितना होगा इसका दो गुना इसका दो गुना क्या हो गया सिक्स पॉइंट फोर यानी कि बत्तीस में से सिक्स पॉइंट फोर क्या कर दू माइनस कर दू बत्तीस में से सात घटाया कितना बचेगा मेरे भाई बत्तीस में से छः पॉइंट चार घटाना ना तो सात घटाओ ठीक है ना सात घटाओ हालांकि मैं वैदिक मैथ की ना वीडियो बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा जिससे हम क्या करेंगे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकेंगे चलिए ये तो नॉर्मल हम माइनस कर लेते हैं सॉरी <coughs> मैं इसको नॉर्मल माइनस कर लेता हूँ थर्टी टू में से सिक्स माइनस करना है मुझे कितना बचेगा ट्वेंटी सिक्स बचेगा ट्वेंटी सिक्स बचेगा लेकिन छः माइनस करने पर ये तो चार पॉइंट चार और कम करना तो क्या बचेगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट कितना सिक्स ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स ठीक है तो ये एट परसेंट आ गया किसका भाई मेरे किसका तीन सौ बीस का तो तीन सौ बीस का एट परसेंट कितना है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स हमें क्या करना है इसे कम करना एट परसेंट को कम कर दो कितने में से तीन सौ बीस में से तीन सौ बीस में से हम माइनस कर दें ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स अब मेरे भाई नॉर्मल माइनस कर सकते हो नॉर्मल नहीं कर सकते इसका पॉइंट जीरो दे दो यहाँ यहाँ क्या बचेगा चार यहाँ बचेगा नाइन या फिर बचा चार यहाँ बचा था वन वन में से टू गया यानी इलेवन में से टू गया नाइन दो सौ चौरानवे पॉइंट चार हमारा आंसर क्या होगा दो सौ चौरानवे पॉइंट चार चाहे करके देख लेना यही हमारा आंसर आएगा ठीक है तीन सौ बीस को अगर हम आठ परसेंट कम करेंगे तो कितना आएगा दो सौ चौरानवे पॉइंट चार ये हम कर दिया ये हमने कर दिया ठीक है आसानी से कर दिया था स्क्रीन शॉट ले, ले लेना इसका सोलूशन का अगर भूल जाओ तो चलिए आगे की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इसको करिए ट्राई एक बार क्या क्वेश्चन है 550 से कितना कम 36.36 परसेंट .36 कम 36.36 परसेंट .36 कम करना है 36.36 .36. कितना होता है भाई ये 36 36.36 होता क्या है अरे आपको दिख रहा है कितने का टेबल है ये नाइन का टेबल है और जब नाइन का टेबल होता तो है तो नीचे क्या लेते हैं इलेवन और नाइन का टेबल कितनी बार है ये चार बार तो भाई ये चार बटे है चार बटे ग्यारह है इसे कम करना है तो एक में से माइनस कर दो। ज़्यादा करना होता तो क्या कर देता मैं इसे एक में जोड़ देता। एक से कम करने का तरीका हमें ही है पचास का कितने गुना कर दें हम सात बटे ग्यारह गुना कर दें ग्यारह पंजे पचपन और पांच सत्ते पैंतीस साढ़े तीन सौ यह हमारा आया आंसर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं साढ़े चार साढ़े चार सौ से चार सौ पचास से कितना कम यहां थोड़ा सा देखना जरा एक बात बताओ 6.66 परसेंट के लिए तो आपके पास क्या नहीं है कोई फ्रैक्शन नहीं है नहीं है कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेरे भाई इसके लिए तो है। 66 .66 के लिए तो है है के लिए बताओ कितना होता है अरे बताया नहीं है मैंने आपको टू बाई थ्री होता वन बाई थ्री होता थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो इसका दोगुना हो गया छियासठ पॉइंट सिक्स सिक्स दो बटे तीन अब अगर मैं ये पॉइंट इधर लाना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या है मैं 10 से भाग करूंगा इसमें मैं 10 से क्या कर दूं इसमें भाग कर दूं अगर मैं इसमें 10 से भाग करूंगा तो इधर भी किससे भाग करूंगा 10 से अगर मैं इधर 10 से भाग करता हूं तो पॉइंट खिसक करके आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स 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 तीन बार सिक्स लिख दो, दो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है वो इधर कितना हो गया भाई मेरे दो बटे कितना तीस दो बटे तीस को मैं क्या कह सकता हूँ एक बटे पंद्रह भी कह सकता हूँ आपको पता चल गई किससे छियासठ पॉइंट छियासठ और कितनी पता चल गई की वैल्यू होती है, अगर इसको कम करना है छह पॉइंट छसेंट जो क्या होता है भाई एक बटे पंद्रह निकाल के बताया मैंने इसे करना है कम तो यहाँ क्या करेंगे वन माइनस एक बटे पंद्रह यानी कि चौदह बटे पंद्रह ये बहुत बेसिक बातें हैं देखो अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना परसेंटेज के तो इतना मजा आएगा आपको आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल पानी की तरह हो रहे हैं क्वेश्चन ये बहुत बेसिक बातें हैं बहुत ही बेसिक हैं और ये आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं अर्थमेटिक की जड़ें हैं ये अगर ये आपकी मजबूत हो जाती है ना तो मेरे भाई बिना पेन चलाए सेकंडों में आप क्वेश्चन कर सकते हो पेन बहुत मजबूरी के तहत आपको उठाना पड़ेगा वरना वैसे ही कर सकते हो आ जाते हैं भाई साढ़े यानी चार का कितने गुना कर दू सात सॉरी चौदह बटे पंद्रह गुना कर दूं क्योंकि सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट कम करने का मतलब क्या है कि चौदह बटे पंद्रह गुना कर देना किसी चीज को ठीक है तो चौदह बटे पंद्रह गुना कर दीजिए भाई पंद्रह से कट देंगे ऐसे पंद्रह तिया पैंतालीस और चौदह तिया बयालीस चार सौ बीस आंसर आ गया हमारा अगर ये फ्रैक्शन हमें याद नहीं होती कितना ही भारी सवाल बन जाता है ये। चलो आगे आ जाते हैं एक से कितना कम भाई सिक्स कम एक से कितना कम सिक्स कम अरे हट जा भाई ये मक्खी परेशान कर रही है भाई रुको एक मिनट ठीक है चलो आप अपनी पढ़ाई जारी रखो सिक्सटी सिक्स पॉइंट टू फाइव अब आपके मन में ध्यान में आ गया होगा क्या ध्यान में आया होगा कि भाई ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इस तरह का कुछ ना कुछ क्या बताया था मैंने अरे हमें इसकी वैल्यू तो पता ही है बासठ पॉइंट पांच परसेंट की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ फटाफट फट, पांच बटे आठ होती है अगर मैं ये पॉइंट इधर ले आऊँ यानी दस से भाग कर खरीदूँ तो इधर भी क्या करनी पड़ेगी दस से भाग ये हो गया सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट और इधर क्या बना मेरे भाई पांच गम पाँच पाँच धुनी दस यानी एक बटा सोलह तो सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट की वैल्यू कितनी है एक बटा सोलह अगर कम कर देंगे तो एक में से घटा दो अगर जोड़ना है तो एक में जोड़ देते हैं ठीक है ना 160 को क्या करना कम करना कम कम यानी कि कर देंगे पंद्रह तो बटे सोलह एक में से कम करेंगे सोलह से कितनी बार कट जाएगा दस बार पंद्रह तो 15 पचास ये क्या हुआ हमारा आंसर हुआ तो हमसे कम करना भी आ गया संख्याओं को और हमको अधिक करना भी आ गया चलिए आगे की तरफ चलते हैं अगले में देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है अब ये मिक्स है मिक्स है पहले हमने कम करना सीखा था पहले हमने अधिक करना सीखा बाद में कम करना सीखा उन दोनों का मिक्सचर है अब मैं डायरेक्ट कराऊंगा भाई 150 से कितना अधिक भाई 20 परसेंट अधिक 20 परसेंट अधिक बीस परसेंट का मान होता है एक बटा पांच एक बटा को अधिक करना तो क्या लिखोगे छह बटा पांच गुणा 40 कम चालीस कम 20 परसेंट बढ़ाना और उसी को क्या कर देना 40 परसेंट कम कर देना 40 परसेंट कम 40 परसेंट कम 40, कम, 40 का होता दो बटे पाँच कम करना तो एक में से माइनस कर दो भाई कितना हो जाएगा तीन बटे पाँच और वैसे भी किसी चीज़ को 40 परसेंट कम करोगे तो साठ नहीं रह गई कितने में से सौ में से तो भी तो तीन बटे पाँच ही है मेरे भाई गुणा तीन बटे पाँच अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ आराम से इसको सोल्व कर लेंगे आराम से बहुत ही आराम से सोल्व हो जाएगा कैसे भाई? 5, 5, 25, 25 है भाई पाँच पंजे पच्चीस पच्चीस से इसे काट दो डायरेक्ट रहे पच्चीस छक्का डेढ़ सौ होते हैं छः छत्तीस और छत्तीस तिया कितने होते हैं भाई एक सौ आठ छः छिया अठारह अठारह छक्का एक सौ आठ ठीक है ना ये हमारा वो आंसर चलिए आगे चलते हैं क्या है हमारा अगला सवाल दो सौ पचास से कितना अधिक है फोर्टी परसेंट अधिक फोर्टी परसेंट अधिक मतलब दो बटे पांच अधिक करना या 140 सौ चालीस बटे सो भी कह सकते हो भाई 140 सौ चालीस बटे सो भी लेकिन क्यों कहें हम क्योंकि हमें चालीस परसेंट पड़ता है दो बटे पांच होता दो बटे पांच अधिक करना तो पांच में दो जोड़ दो कितना सात बटे पांच क्या ये 140 सौ चालीस बटे सो नहीं लिखा हुआ आ जाओ आगे बीस परसेंट कम बीस परसेंट कम मतलब अस्सी बटे सो और मैं क्यों कहूं अस्सी बटे सो क्योंकि मुझे तो पता है बीस परसेंट का मतलब होता है एक बटे पांच कम करना तो पांच में से एक घटा दो तो पांच में से एक घटाया चार बटे पाँच, पाँच पंजे, से कितनी बार दस बार कट तो गया एक बटे आठ अधिक करना तो में एक जोड़ो नो बटे आठ मल्टीप्लाई बाईस पॉइंट बाईस परसेंट कम बाईस बाईस आपको पता है कितने का पहाड़ा रहा भाई ग्यारह का बाईस पॉइंट बाईस में कितने का पहाड़ा है ग्यारह का नीचे लिखेंगे नो जितनी बार पढ़ा वो दो ठीक है अभी दो बटे नो कम करना तो नो में से दो घटा दो कितना बचेगा सात सात बटे नो कम करना है तो सात बटे नो अधिक करना होता तो नो में दो जोड़ देता ठीक है कर देंगे हम इसे आराम से नो <coughs> no से नो no कैंसिल ये हमारा कितनी बार कटेगा भाई चार से काट देते हैं दो बार कटेगा चार से पच्चीस बार कटेगा है ना और पच्चीस सत्ते कितने होते हैं भाई एक सौ पचहत्तर और एक सौ पचहत्तर के बटे में दो लिख दो एक सौ पचहत्तर को आधा कर दो भैया एक सौ सत्तर को आधा करो सबसे पहले एक सौ सत्तर का आधा कितना होगा एक सौ सत्तर भी अगर आपको आधा नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है मैं हमेशा एक को ऐसे देखता हूँ एक प्लस दस प्लस पाँच मैं तो ऐसे ही देखता हूँ भाई क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है तो एक का आधा हो गया अस्सी दस का आधा हुआ पाँच और पाँच का आधा हुआ ढाई यानी कि अस्सी में पाँच जोड़े पिचासी पिचासी में दो पॉइंट पाँच जोड़े कितने हो गए सतासी पॉइंट पाँच सतासी पॉइंट पाँच हमारा क्या होगा आंसर होगा ठीक है चलिए आगे की तरफ चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं और हमारा ये क्वेश्चन आया एक से तैंतीस अधिक एक सौ से थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट क्या है भाई अधिक है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री का मतलब होता है वन बाई थ्री अधिक करना तो कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री पचास परसेंट कम पचास परसेंट कम यानी एक बटा दो कम कर दो कितने में से पचास में एक बटा दो ही बचेगा तीन दुनी छः छे. छः तिया अट्ठारह तीन चौके बारह कितना आंसर आ जाएगा एक सौ बीस चलिए आगे आती है दो सौ से बीस परसेंट अधिक और बीस कम दो से बीस परसेंट अधिक छः बटे पाँच और बीस ही परसेंट कम चार बटे पाँच पाँच पंजे पच्चीस पच्चीस अठे दो सौ आठ संग अड़तालीस अड़तालीस का कितने गुना चार गुना चार गुना जब भी करो ना एक बार डबल करो फिर दोबारा से डबल कर दो ठीक है दोबारा से डबल कर दो अड़तालीस का डबल कितना हुआ नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स का फिर डबल कर दो नाइन्टी सिक्स का डबल करोगे कैसे करोगे अगर नहीं आ, आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत ना भाई नब्बे का डबल तो पता है फिर छः का डबल पता है ठीक है नब्बे का डबल एक और छः का डबल बारह यानी कि एक बयान में ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ चलिए आज के लिए इतना ही आप कम करना भी सीख चुके हैं परसेंटेज में बढ़ाना भी सीख चुके हैं परसेंटेज में और कल से है ना आपको अब मैं लैंग्वेज के रूप में दूंगा क्वेश्चन किस रूप में लैंग्वेज के ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जितना भी मैंने सोल्यूशन कराया जितने भी क्वेश्चन है कल से भी मैं जो लेक्चर कराऊंगा आने वाले लेक्चर भी किस तरह के होंगे भाई मेरे परसेंटेज के जबरदस्त क्वेश्चन होंगे और आप मिनटों सेकंडों में उड़ा दोगे अगर आप ये सारे लेक्चर जितने भी मैंने आज तक कराए हैं दो या तीन लेक्चर हैं इनको देखिए परसेंटेज में आपका बेसिक बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा भाई परसेंटेज क्या है पूरे अर्थमेटिक के जानने में बार बार बोलता हूँ ठीक है चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत